ओम शांति। आप सबको स्वागत है 10 सितंबर के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें। अब ये सदा खुशी कैसे आ सकती है? ये वो वाली खुशी नहीं जो कि आपकी आंखों, आपकी जबान के टेस्ट और कानों से या आपकी त्वचा में सॉफ्ट चीज़ कोई महसूस हो, तकिया हो, बेड हो, सॉफ्ट पिलो हो या कोई अच्छी चीज़, अच्छा माहौल हो, तो वही चीज़ आपको खुशी दे सकती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी खुशी जो कि परमानेंट खुशी की बात हो रही है यहाँ पर, और जो कि इन 5 senses से 5 senses से 5 आपकी कर्मेंद्रियों से आपको कभी नहीं मिल सकती है। थोड़ी देर के लिए मिलेगी लेकिन आप थक जाएंगे उसको ढूंढते ढूंढते। तो हम बात कर रहे हैं अति इंद्रिय सुख की, अति इंद्रिय खुशी की, जो कि केवल आत्मा महसूस कर सकती है, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट बीइंग। और वो आत्मा तभी महसूस कर सकती है जब वो अपने आप को इनफाइनाइट मांगे और इस फाइनाइट मतलब कि हद के शरीर से अपना ताल्लुक आस्ते आस्ते कम करते जाए। ख्याल रखे शरीर का, खान पान ठीक रखे लेकिन ताल्लुक कम करते जाए, तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, ओरिजिनल इन्फाइनाइट एनर्जी फॉर्म में, क्वांटम फिजिक्स फॉर्म में, क्वांटम एनर्जी फॉर्म में, इन्फाइनाइट फील्ड, इन्फाइनाइट सोर्स फॉर्म में, और हम कनेक्ट हो जाएंगे इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से, जिनको आप कह सकते हैं खुदा, जिनको आप कह सकते हैं अल्लाह, जिनको आप कह सकते हैं जिहोवा, जिनको आप कह सकते हैं भगवान, जिनको आप कह सकते हैं ऊर्जा, जिनको आप कह सकते हैं प्रकाश, जिनको आप कह सकते हैं अनंत शक्ति। ये आपकी मर्जी है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप। तो परमात्मा कहते हैं सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भवा, बेफिक्र सही बात है। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। ब्राह्मण मतलब कौन हो गया जिसको पता चल गया कि वो स्वयं कौन है, कहाँ से आया है, कौन उनका रचयिता है और ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है और स्टार्टिंग कैसे होती है और अंत कैसे होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि आप दुनिया में एक्टिंग तो करने आए हैं लेकिन आपका क्रिएटर कौन है, आपका रचयिता कौन है, और ये एक्टिंग जो आप कर रहे हैं इस दुनिया में उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी हुई है, और स्क्रिप्ट लिखी कैसे है, और स्क्रिप्ट कितनी लंबी चलनी है, और ये शो कब तक चलना है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ एक्टिंग करने का? अगर आपको ये नहीं पता डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है इस एक्टिंग का, और वो उसने कैसी स्क्रिप्ट बनाई है, कितनी लंबी स्क्रिप्ट है, आपको फिर फ़ायदा क्या हुआ? आपको आप एक्टर ठीक नहीं है फिर आप, इसलिए आपको पता करना पड़ेगा ये सारी डिटेल्स जो कि ब्रह्मा कुमारीज में आपको मिल जाती हैं निःशुल्क। वो भी तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं, है कि नहीं? आप खुशी बांटो या किसी को दुखी बना दो, आप किसी को कहो यार क्या हो गया तुम बड़े मोटे हो गए यार, आपकी आपने उसकी खुशी खराब कर दी, क्या हो गया भैया ये आपके सफ़ेद बाल कैसे हो गए सर के ऊपर, आप उसकी खुशी छीन रहे हो, आप उसकी आप उसको ज़्यादा अपने बॉडी से अटैच करवा रहे हो, अरे क्या होगा आज तुमने इतना कमाया नहीं, अरे क्या होगा लॉस कर दिया तुमने, कैसा कैसी बुद्धि तुम्हारी, समझ नहीं है तुम्हें, आइडिया नहीं है तुम्हें, अकल नहीं है तुम्हें, उसको आपने खुशी दी कि आपने उसको दुखी बना दिया, सोचिएगा। तो हम जितना भी भौतिक चीज़ें और भौतिक वस्तुओं के साथ में किसी को अटैच करते हैं या किसी को हम उस चीज़ से ऊंच नीच में तोलते हैं जाने अनजाने में, हम उसको खुशी नहीं दे रहे, हम उसको दुख दे रहे हैं। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो हम कैसे ना करें, जो कि हम ब्रह्म कुमारी से सीखते हैं, जिसको कहते हैं आत्माभिमानी, और आत्माभिमानी होकर के सोचना, बोलना और करना। तो उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, क्यों? किसको? जिसने अनंत शक्ति को पहचान लिया, अनंत ऊर्जा समझ करके अपने आप को अनंत शक्ति से रिलेशनशिप जोड़ लिया, उसको भौतिक दुनिया की खुशी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भौतिक दुनिया में जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं खुशी नहीं, ये प्रोजेक्ट कब होगा तब तक खुशी नहीं मिलेगी, अरे जब पैसे कब आएंगे तब तक खुशी नहीं मिलेगी, मेरा चेक कब आएगा तब तक खुशी नहीं मिलेगी, अरे मेरा अकाउंट में सैलरी कब आएगा तब तक खुशी नहीं, अरे मेरे को बिजनेस में लोग जब मेरे को मिलेंगे तब मेरे को खुशी मिलेगी, अरे मेरे कस्टमर्स आएंगे तब मुझे खुशी मिलेगी। नो नो नो, इनमें से कोई भी चीज़ आपको कभी भी 100% खुशी नहीं दे सकती है। ये आप की पर्सनल जर्नी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ चुके हैं तो आप बहुत ही हाई स्टेज पे, अगर नहीं समझे अभी तक तो आप अभी भी, मैं तो 100% कह सकता हूँ, आप अभी भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अभी भी क्रोधित हो जाते हैं, आप अभी भी अहंकारी हो जाते हैं, आप अभी भी नफरत करते हैं लोगों से, आप अभी भी अपने साथ खुश नहीं रह सकते, आप अभी भी अपने संतुष्ट नहीं अपने साथ में, ये फैक्ट है। क्योंकि हम यहाँ पर सीक द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, सो चैनल का नाम ही ट्रुथ है, उसमें ट्रुथ अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपसे सच बोलने के लिए आया हूँ ना, झूठ तो बोलूँगा नहीं आपसे मैं, तो सच कड़वा होता है लेकिन हाँ स्टार्टिंग में कड़वा लगता है, आस्ते आस्ते मीठा हो जाता है, बिल्कुल कि जैसे शुगर फ्री की टैबलेट की तरह। फिर परमात्मा कहते हैं उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसे खुश नसीब और कोई नहीं।
भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो युग युक्त हैं, मतलब जो कनेक्टेड हैं इन्फिनाइट एनर्जी से, अपने आप को इन्फिनाइट बना करके, वे सदा ही सेफ हैं। इतनी गारंटी दे दी है उस इन्फिनाइट ऊर्जा ने कि आप सेफ हैं अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। सत्युग मतलब कि गोल्डन एज, गोल्डन एज मतलब कि स्वर्ग इस धरती पर। तो अभी चल रहा है नर्क, और नर्क के बाद में आएगा आपका स्वर्ग। तो स्वर्ग बनते समय हमें स्वर्ग जैसी सोच तो रखनी पड़ेगी ना। ये नर्क वाली अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत वाली, घृणा वाली सोच लेकर के हम स्वर्ग में तो एंटर नहीं कर सकते। भाई मैं तो नहीं एंटर कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाएंगे अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। और अगर मैं नहीं चेंज करूंगा अपने आप को तो मैं भी एंटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गार्डियन है इसका, गार्डियन अल्लाह का है, परमात्मा का है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे तो अपने संस्कार, अपनी हैबिट चेंज करने पड़ेंगे। और वो हैबिट होगी कि मैं सदा खुशी में रहूं, सदा संतुष्ट रहूं, ताकि मैं खुशी खुशी आगे चले जाऊं अगले उसमें। लेकिन फिक्र रहे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, तो फिर तो भाई चिंता ही चिंता, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये चिंता मुक्त होने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी को सीरियसली लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसके साथ ओम शांति।